हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, कुशल पूर्वक होंगे। मेरे दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए फिर एक जानकारी लेकर के आया हूँ, क्योंकि कुवैत की अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है, एक बार फिर सबको वार्निंग देकर के कहा है कि जिन भी प्रवासी भाई लोगों ने अपना बायोमेट्रिक नहीं कराया है, ये आज का लेटेस्ट अपडेट है, तो कृपया करके 21 दिसंबर से पहले पहले अपना बायोमेट्रिक कराने की कोशिश करें, नहीं तो वो लोग फिर मुसीबतों में फंस जाएंगे। इसलिए बार बार ये बताया जा रहा है कि न्यूज़ के माध्यम से या कैसे भी करके कि आप लोग, अब इसमें क्या है कि किसी भी सेंटर में जाने से पहले या तो आप साहिल एप्लीकेशन के थ्रू या फिर आप अपने मेटा के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर के ही जाएं और जितना जल्दी हो सके ये करवाने की कोशिश करें, नहीं तो आप लोग प्रॉब्लम्स में आ सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि अभी अगर आप लोग बायोमेट्रिक नहीं करा पाएंगे तो 31 दिसंबर के बाद में कोई टाइम नहीं बढ़ाया जाएगा और आप लोगों के लिए मुश्किल आ सकती है, क्योंकि इसमें फिर आप लोगों के सारे कामकाज जितने भी हैं बंद हो जाएंगे और आप लोगों का लिए बहुत प्रॉब्लम आ पाएगी। ना तो आप पैसा भेज पाएंगे, ना आपका अकामा लगेगा, ना ड्राइविंग लाइसेंस। दूसरी जानकारी ये है कि 22 टन सरकारी सब्सिडी वाला सामान, जी हाँ, ऐसे लोग दो लोग पकड़े गए हैं कि जिनके पास में 22 टन जो कुवैत का सरकारी खाने का जो सामान होता है ना, जैसे दूध होता है, चावल होता है, राइस होता है, ये सब आइटम 22 टन पकड़ा गया है, जो कहीं बाहर कंट्री में भेजने की या किसी को बेचने की फिराक में थे। तो ये एक मतलब मुबारकल कबीर एरिया की घटना है, जहां पे इन लोगों को पकड़ लिया गया है और इतना माल बरामद किया गया है। कितना? 22 टन माल इन लोगों से बरामद किया गया है, जो कि एक बहुत ही बड़ा मतलब सामान था कि इतना सामान इन लोगों के पास में, आखिरकार सरकारी सब्सिडी वाला सामान इन लोगों के पास में गया कहाँ से आया। फिर क्या हो, नशे की हालत में एक कार ड्राइवर कार में सोता हुआ मिला। अब ये घटना कहाँ की है कि ये एक 50 साल का व्यक्ति था जो अपनी कार में सोते हुए पाएगा, जिसके बाद हवेली गवर्नमेंट में सुरक्षा अधिकारियों ने जब कार का दरवाजा नॉक किया तो उसमें से आदमी को जब निकाला गया तो वो आदमी बिल्कुल चलने की हालत में नहीं था, तो उसको पकड़ के अभी पुलिस स्टेशन में ले जा करके अब उसके ऊपर में कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि वो जो नशा करना यहाँ पे बहुत ही गैर कानूनी काम है, जो यहाँ पे नहीं करना चाहिए। जानकारी अच्छी लगे तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।